हाल ही में हिंदुस्तान के हीरो पायलट अभिनंदन वर्तमान ने मिग 21 बाइसन विमान से पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। एक सेकेंड जनरेशन विमान से फोर्थ जनरेशन विमान को मारने पर हर कोई अभिनंदन की तारीफ करता नहीं थक रहा है। लेकिन अब भारतीय वायुसेना अपने पुराने मिग विमानों को अगले 3 सालों में हटाने वाली है, जिससे अभिनंदन जैसे पायलटों और सेना की ताकत और बढ़ सके। इन सभी विमानों की जगह अत्याधुनिक राफेल विमान लेंगे। साल के आखिर तक भारत को राफेल मिलने शुरू हो जाएंगे और राफेल के आते ही मिग 21 विमान को हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण में साल 2022 तक सभी मिग 21 विमानों को हटाने का काम किया जाएगा। इसके बाद मिग 27 और मिग 29 विमानों को हटाया जाएगा। साल 2030 तक इन सभी विमानों को पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत को पहला राफेल विमान सितंबर तक मिलने की उम्मीदें हैं। फ्रांस की ओर से सभी 36 विमान साल 2022 तक भारत को सौंप दिए जाएंगे। इससे पहले 1964 में भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान मिग 21 मिला था। सूत्रों के मुताबिक भारत के पास इस समय करीब 40 से 45 मिग 21 विमान है। इन विमानों में से ज्यादातर को ट्रेनिंग देने में इस्तेमाल किया जाता है। मिग विमानों के क्रैश होने की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 40 सालों में करीब 500 मिग विमान हादसे हुए हैं। इन हादसों में 171 पायलट और 39 नागरिकों की मौत हुई है।